अंतमेर में आया है एक बहरूपिया। कभी वो मस्त जैकेट पहनकर क्लब्स का कूल डूड आदित्य बन जाता है, और कभी कुर्ता पैजामा और नकली मूंछ के सारे बच्चों का म्यूजिक टीचर। मैं ये दोहरी लाइफ इसलिए जिया क्योंकि जब पापा गुजर गए थे, घर में एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुआ था, तो उस वक्त मैं सिखाना भी शुरू किया, उससे हो नहीं पा रहा था, तो फिर क्लब्स वर्ब में गाने लगा, तो उससे कुछ घर में कुछ हेल्प हो गई, तो इसलिए मैं ये दोहरी लाइफ मुझे जीना पड़ा। सो प्लीज वेलकम कोलकाता का डबल ट्रबल शुभदीप दास चोपड़े। पहले एक बार बताओ, आज आप किस रूप में, आज टीचर के? सर मैं आज आदित्य बन के आऊंगा, और जो मैं रियल जैसा मैं रहता हूँ नॉर्मली, मैं वैसे ही आऊंगा आज। क्या बात, कम ऑन कम ऑन। मुझे कपड़े भी बदलने, जस्ट दो मिनट चाहिए मुझे। प्लीज प्लीज। This is who I am. शुभदीप, ये कहना पड़ेगा, पहली दफा असली शुभदीप से मिलके या आदित्य से मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है। Good to meet you, brother. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. मेरे मन ये बता दे तू, किस ओर चला है तू, क्या पाया
बात है यार, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आदि भाई छा गए यार, आदि भाई क्या गाए, वो एक एक जगह जो मैंने आपको सिखाई थी ना सब लिया आपने, मजा आ गया, मजा आ गया। एनीवे विशाल सर, नए वाले आदित्य, इस गाने को फ्रेश करके फिर से प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है और बहुत कठिन बात है। जो लयकारी की है, जिस इसमें आपने जो कलाकारी अपनी जगहें जो की हैं, इट्स इनक्रेडिबल। मेरी हर रियलिटी शो से एक कमी सी मुझे महसूस होती है कि मतलब कोई एक ऐसा क्लासिकल गाने वाला बंदा हो जो कि यंग लोगों को क्लासिकल म्यूजिक की तरफ ले आए। जी सर, यू कुड बी दैट गाय, ये मेरी आपके लिए तमन्ना है। थैंक यू शिवदीप, आई वांट टू स्टैंड अप एंड सैल्यूट यू। वाह, बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे आदि भाई, आज इंडियन आइडल सीजन 11 के टॉप 15 में पहुंचे हैं आप, कैसा महसूस हो रहा है? मैं तो डे वन से ही बोलता आ रहा हूं, मेरे लिए एक सपना है, एक ड्रीम है। मैं जहां से आ रहा हूं वहां पे बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, पर मैं जहां पे रहता हूं वहां से उतने सपोर्ट मिलते नहीं है मुझे। अरे म्यूजिशियन की खास बात यही होती है कि पूरी दुनिया आपकी रिलेटिव बन जाती है जब आप गाते हो। सर मैं एक चीज आज शेयर करना चाहता हूँ, मेरे मन की बात है। प्लीज प्लीज भाई प्लीज। सर मेरे पापा का एक स्कूल था हम लोग का बिहाला में, हमें जहाँ पे कोलकाता में रहता हूँ, वो स्कूल सर पापा जब गुजर गए उसके बाद से वो बंद हो गया। उसको कंटिन्यू हम लोग नहीं कर पाए, तो मेरा यही एक सपना है कि मैं वो स्कूल को फिर से मैं कैसे खोलूं, पापा को वो सपना फिर से आएगा। तो मैं उतना भी काबिल नहीं हूं कि पापा जैसे सिखाते थे, मैं वही कोशिश में हूं कि पापा जैसे मैं काबिल बन पाऊं। अगर आप कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं, वो आपके सपने में इंक्लूडेड है, तो वो सपना जरूर पूरा होता है। थैंक यू मैम।